वेलकम टू माई YouTube चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू गिवन है, हाफ लाइफ फाइंड करनी है। तो कल हमने तीन फार्मूले किए थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, ये टी हाफ का था, ये के टू फार्मूले थे रेट कॉन्स्टेंट के। तो गिवन क्या है, 5.5 इंटू 10 एस और माइनस 14 इज रेट कॉन्स्टेंट। तो फाइंड क्या करना है, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का फार्मूला 0.693 ओवर के। तो के की जब हम वैल्यू पुट करेंगे, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.126 इंटू 10 रेस, ये माइनस है, ऊपर जाके प्लस की पावर हो जाएगी। तो अगर मैंने पॉइंट शिफ्ट किया तो 1.26 इंटू 10 रेस पावर 13 सेकेंड इज़ दी आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका रेट कॉन्स्टेंट 1.15 इंटू 10 रेस पावर माइनस 3 है। तो हमें टाइम फाइंड करना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का जो 5 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट कितने टाइम में 3 ग्राम रह जाएगा। मतलब 5 ग्राम इनिशियल कंसंट्रेशन है, 5 ग्राम में से 2 ग्राम जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, 3 ग्राम लेफ्ट बचा है। तो 5 में से 2 ग्राम कन्वर्ट होने के लिए और 5 में से 3 रिमेनिंग रहने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो ये फार्मूला लगाएंगे हम। तो के 2.303 ओवर टी, टी हमें पता करना है, लॉग ए नॉट की कंसंट्रेशन इज़ 5, ए टी की कंसंट्रेशन इज़ 3। तो टी को इधर लिख लेते हैं, 2.303, के की वैल्यू 1.15 इंटू 10 रे पावर माइनस 3, लॉग 5, लॉग 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2.303, 1.15 इंटू 10 रे पावर माइनस 3, लॉग 5 माइनस लॉग 3। तो लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6989 और लॉग 3 की वैल्यू होती है 0.4771 इंटू 2.303 डिवाइड बाय 1.15 इंटू 10 रे पावर माइनस 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 444.27 सेकेंड आफ्टर सॉल्विंग। तो इतने सेकेंड लगेंगे 5 ग्राम का 2 ग्राम डीकम्पोज होने के लिए और जो लेफ्ट बचेगा 3 ग्राम। उन्होंने लिखा है टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम, मतलब 5 ग्राम में से 3 ग्राम बच गया, बाकी डीकम्पोज हो गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं। एक और न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल आए कि हमें टी थर्ड फोर्थ पता करना है। थर्ड फोर्थ का क्या मतलब है, अगर हम थर्ड फोर्थ वैल्यू कैसे आ सकती है, 75/100, मतलब इनिशियल 100 में से जो 75 है वो लेफ्ट है और 100 जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2.303, टी थर्ड फोर इधर लिखेंगे, के इधर, अगर के की वैल्यू होगी तो लॉग 100 इनिशियल, 75 जो है वो हमारी लेफ्ट कंसंट्रेशन है, ओनली थर्ड फोर्थ पार्ट कन्वर्ट हुआ है, दैट इज़ 25% प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, लेफ्ट कंसंट्रेशन इज 75। तो सिमिलरली लॉग 100 माइनस लॉग 75 की वैल्यू पुट करेंगे और इससे के की अगर वैल्यू गिवन होगी, इस तरह हम थर्ड फोर्थ भी फाइंड कर सकते हैं। तो मोस्टली जो न्यूमेरिकल आते हैं वो टी हाफ काउंट करना, टी थर्ड फोर्थ काउंट करना, के की वैल्यू फाइंड करना, इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे कि 30% डीकम्पोज हो चुका है, 40% डीकम्पोज हो चुका है, इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल, टाइम रिक्वायर्ड टू डीकम्पोज थायोनाइल क्लोराइड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब जो इनिशियल कंसेंट 100% का हाफ करने के लिए, हाफ फॉर्म होने के लिए टाइम लगा है 60 मिनट, दैट इज़ टी हाफ। तो टी हाफ गिवन है 60 मिनट, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर दी है, रेट कॉन्स्टेंट फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाला। तो टी हाफ गिवन है, 0.693 वैल्यू है और के फाइंड करना है। तो के कितना आएगा, 0.693 60 मिनट। अगर आप सेकंड में लेना चाहते हो टाइम, सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे, मैंने मिनट्स में ही कन्वर्ट किया है, मिनट्स में ही लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा
0.0115 per minute अगर शिफ्ट करना चाहते हैं पॉइंट, तो 1.15 × 10⁻², तो ये पर मिनट है, तो ये आ गया आंसर। न्यूमेरिकल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक प्लेस 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का 30% प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए उसने 40 मिनट्स लिए, तो अगर 100% में से 30% डिकम्पोज हो रहा है तो लेफ्ट कितना हुआ 70%, तो 100 में से 50% डिकम्पोज होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड करना है। तो पहले हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होगी टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए, तो रेट कांस्टेंट हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता है 100% ही होती है और एटी कितना होगा 30% डिकम्पोज हो चुका है, तो 100 में से अगर 30 माइनस कर देंगे तो 70। फॉर्मूला लगाते हैं 2.303, टी की वैल्यू गिवन है 40 मिनट्स लगे हैं 30% डिकम्पोजिशन के लिए, लॉग इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू 70, तो लॉग 100 माइनस लॉग 70 2.303 डिवाइड बाय 40, तो लॉग 100 की वैल्यू होती है 2, लॉग 70 की वैल्यू 1.845, 2.303, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे आंसर आएगा के की वैल्यू इज 8.918 × 10⁻³ पर मिनट, तो ये के की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम टी हाफ फाइंड कर सकते हैं, टी हाफ की वैल्यू होगी, तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में मैंने वैल्यू के की पुट की, तो इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आया 70.7 मिनट, तो ये पर मिनट में था ना, तो पर मिनट में वैल्यू थी, ऊपर जाके ये मिनट में चेंज हो जाएगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे टी हाफ फाइंड कर सकते हैं। अगर सिमिलरली आए 70% डिकम्पोज हो रहा है और 70% डिकम्पोज हो गया, तो 100% में से हम 70% माइनस कर देंगे तो 30% लेफ्ट होगा, तो 30 आ गई 80, 100 आ गया A0, हम इसके लिए भी टी हाफ की वैल्यू पहले K फाइंड करेंगे फिर हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू ऑफ टी हाफ। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं मोस्टली, तो जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल होते हैं मैंने वो करवा दिए हैं, नेक्स्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल्स की, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं 12th में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।